पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। हम तो जाते हैं अकेले भटकते हैं, अलग जगह देते हैं, भक्त की दादाजी सरीके अलमस पहुँचते हैं। हमारी जहाँ मर्जी होती चार महिलाएं मिलती हम वही जगाने बैठ जाते हैं कि नहीं बहनों अपने महिलाओं में जितनी शक्ति नजर आती है उतनी मुझे पुरुषों में नजर नहीं आई अभी, और मैं चाहती हूँ खंडवा के पुरुष वर्ग भी आगे आए और आगे आके इस मुहिम में हमारा साथ दे, किसी साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। तो दादाजी मंदिर के लिए गाँव गाँव से हमारे साजापुर से क्या वही बोलते क्या सभी जगह में गाँव गाँव के लोग चाहते थे कि हमारा खंडवा के लिए चाह रहे ना, वो ये तो है नहीं कि वो इंदौर में ले जाके बसा देंगे कि ये तो है नहीं कि दिल्ली में बसा देंगे ले जाके या साईखेड़ा में मंदिर बन जाएगा, बनेगा हमारे खंडवा में बनेगा, हमारे खंडवा का विकास होगा, हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं खंडवा में रह के उद्योग धंधे आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेंगी, ये सब चीजें तो हमारे खंडवा के लिए होगी ना, ये कोई वो लेके तो जाने वाले नहीं है, तो हम अपने लिए तो करें कम से कम। तो मेरे हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि जितने जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे और जो नहीं आए उनसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक नम्र निवेदन है सभी की तरफ से, दादाजी मंदिर निर्माण संकल्प समिति की तरफ से, कि वे सभी आगे आए और आगे होके खुद आगे आए तो हम अपने उनके पीछे चल देंगे, इस मुहिम को वो आगे बढ़ाए। और दादाजी के जो ट्रस्टी है उनसे भी हमारा नम्र निवेदन है कि वे भी खुद आगे आए इस चीज के लिए और दादाजी के भव्य मंदिर का निर्माण कराए, तो हम उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। और भव्य 84 खंभों का क्योंकि सामान आके रखा हुआ है, 50 साल से किसी की आत्मा वहाँ इंतजार कर रही है, ये दादाजी ने भक्तों का सामान रखा है और अगर वो वहाँ रास्ता देख रहा है तो हमारा भी ये इंतजार खत्म करने का टाइम है। हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे और सभी लोग आगे बढ़ेंगे दादाजी मंदिर के लिए। दादाजी की हम ऐसी नगरी में रहते हैं की जहाँ दादाजी ने समाधि ली है और हम उनको एक रोज दर्शन भी कर पाते हैं, और जहाँ गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं वो सभी चाहते हैं कि दादाजी के मंदिर का निर्माण हो और भव्य मंदिर का निर्माण हो। सबकी से यही एक इच्छा है कि भव्य मंदिर का निर्माण हो, जिससे कि जो श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है दादाजी मंदिर से, तो सभी एक ही लक्ष्य लेकर आते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं कि दादाजी सबकी झोली भरते हैं लेकिन भव्य मंदिर के निर्माण में कितने विघ्न आते जा रहे हैं। तो ये दादाजी की कृपा होगी और निश्चित ही आने वाले समय में चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे शहर की आम जनता हो, चाहे प्रदेश की आम जनता हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि मंदिर बने और सभी अपनी प्रार्थनाओं के साथ एक प्रार्थना ये भी करते हैं कि जब वो अगले बार आए तो यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। दादाजी से प्रार्थना करते हैं कि वो आशीर्वाद स्वरूप हमको जल्द से जल्द आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारे शहर में भव्य मंदिर का निर्माण हो और जैसा सभी भक्तगण चाहते हैं उसी स्वरूप में इस मंदिर का निर्माण हो, ऐसी हम सभी भक्तगणों की इच्छा है। जय श्री दादाजी। दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, आप हर बार आते हैं वही प्रश्न उठता है कि दादाजी का मंदिर बनेगा बनेगा, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत टाइम से हमारे पापा जी और सब लोग मीटिंग लेने का है कि मीटिंग लेके और शायद जो भी होगा, और अपना हमारा तो सिर्फ इतना मत है कि जो पत्थर बना हुआ रखा है मार्बल उससे दादी समाधि में मंदिर बने, और पीछे सब लोगों ने आपके तीनों मुखियों ने मिलकर कुछ नक्शा भी प्रमाणित किया, लेकिन जो भी है डिजाइन की बात तो आप लोग सब देख लें, लेकिन मार्बल जो रखा है समाधि मंदिर बनना चाहिए, और मूल रूप से छोटे दादाजी की जो आज्ञा है वो काम पूरा होने के लिए ये काम मंत्री लोगों ने पत्थर बनाए और पत्थर बन के रखे तो समाधि मंदिर बने, यही हमारी आगे किस तरह का कदम उठाए जाएंगे, मतलब अभी लगातार इसी तरह की स्थिति बनती जाती है। हमारा तो मन है कि हम खंडवा वाले देखें, क्योंकि हमको तो वो हमेशा कहते हैं आप बाहर के हो खंडवा वाले जैसा कहे, तो खंडवा वाले पापा जी और सब लोग बीच में आए हमारे माना जी है संत समाज जो है जैसा कहे आप लोग जैसा समझे उसमें जैसा उचित लगे था। गुरु जी प्रशासन ने भी बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी, बीच में आपकी चर्चा भी हुई थी, आखिर क्या बात हुई, आखिर आपने
तो उसमें सब हो गया था, लेकिन अब फिर मीटिंग, उसमें कुछ मीटिंग होकर काम शुरू होना है, अब वो जल्दी हो और जल्द ऐसे भी हो। कलेक्टर साहब से तो अपन स्थानीय पत्रकार भी फॉलो करोगे कि आगे मीटिंग नहीं करा रहे। पूर्णतः अवैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।